राधे राधे सभी को। हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि आने वाली है तो उसके बारे में जानेंगे, क्या महत्व है उसका, कौन सी तिथि को या तारीख को मनाई जाएगी और महाशिवरात्रि का पूजा मुहूर्त क्या है, चार प्रहर मुहूर्त कौन कौन से हैं और इसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं हम साल 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। तो महाशिवरात्रि 2024 में पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च संध्या काल 6:17 पर होगा। शिवजी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदया तिथि को देखना जरूरी नहीं होता है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को ही रखा जाएगा। अब देखते हैं हम महाशिवरात्रि के पूजा मुहूर्त। 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा का समय शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर का मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय है शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय रात 9:28 से रात 9 मार्च की रात को 12:31 तक। रात्रि तृतीय प्रहर पूजा का समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक और चतुर्थ प्रहर पूजा का समय है प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक। इसके अलावा निशिता काल मुहूर्त रात में 12:07 से 12:55 तक 9 मार्च को रहेगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक 9 मार्च को रहेगा। अब देखते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि को पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत में किस तरह से रखेंगे, यानी कि फलाहार या निर्जला, यह भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर के 8 लोटे जल के चढ़ाएं और पूरी रात्रि का दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र भांग धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र भांग धतूरा जायफल कमलगट्टे फल मिष्टान मीठा पान इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं और सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांट दें। तो इस तरह से यदि आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा का फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद।